बोले शंकर भगवान की। भूमिया जी महाराज की। अरे सर, पार्वती के पंचों से बोली और न्याय मेरा भी कीजिए। हे पंचों, एक क्यों थे न्याय है दुख मारो ही करो। बोले कहीं जनवा पंचों देख रही पहली तू यूं बता थे गांव रे मन एड़ा आउड़ा किता हां बेरू पिया भारत की ने पंच के थारो बल कोई न्याय है। मैं तो मसा मुश्किलों इने जगह कब्जे करियो है। जन पार्वती जी के मेरे पति की सेवा कारण और ये कलस मुझे दान में दीजिए। मारे पति की सेवा करूं अन रे वास्ते थे मन को घड़ो है जो दान में दे दो। पार्वती मन भी जो अपन दान में दे दई तन ढकण लगो करो शंकर भगवान ने काट गिलास तारे हम भी। पंच पार्वती जी ने दे करके बोला नहीं और कलश में दो कौन बोले मशा मुश्किलों इन्हें जग में कब्जे करियो है। तू यो कर ए 5 रुपया ले जा और कोई कुमार रे घरों है जो कोई दूसरो कलश लिया और भी मैं जो को थारे भगवान शंकर ये जगी पूजा कर जो भी कर पति की सेवा कर। तो बे पंच के पार्वती ने अरे इस कलश को अरे छोड़ सुंदरी अरे इसमें रे आफत भारी है सुंदरी इसमें आफत भारी भोले भंडारी इरमा भगवान शंकर है और थारो के में न्याय परखने आई मैं थारी चौकी रो न्याय चमत्कार देखने वास्ते और बड़ नहीं बधायो मैं पार्वती हूं। जन पंचों दे कर क्यों भगवान शंकर है पार्वती विचार को भी शंकरो ना ले छोड़ दे इरवा जन पंचों की ताई को छोड़ो हमें पार्वती जी में फंस गई बड़ छोड़ो। बोले बाप जी की छोड़ो। बोले जने छोड़ो के जको भी ई नगर रो आदमी कोई भी जीव अपनी एजगी भगवान रे द्वारा देवड़ी उम्र जगी पूरी कर अच्छे ढंग तेर महाराज अगर भगवान रे दरी खाने जावे भी टेमरे मां बिरी मोक्ष प्रदान करे जन छोड़ो नहीं तो छोड़ो। पार्वती जी देखकर गड़े रे कंदार की बोले महाराज गांव वाला मोक्ष मांगे थोड़ी सी शेरी ढकंडे वार कर
भगवान शंकर माऊ ए जग बफी जुड़ा रही दे दो थोर कन हे जण। पार्वती जी के बोले महाराज मोर कन होती तुम्हें जणी दे देता बंग देणी धोनी पड़ी ए नहीं देओ ते मो बफी जो यार इयो जग बास ते जगार एकदम रेडी करूड़ो है कौन भगड़ो सीधा सीणुड़ियो जण। भगवान शंकर देखन के बोले जाओ भगवान शंकर रो वचन है मां तारणी गंगा मारे सिर पर बह सांझ सोज की शाख है जको भी नगर रो आदमी 100 साल री उम्र पूरी कर और भगवान रे दरी खाने जावे तो मैं मेरी ये जगी मोक्ष प्रदान करूंगा ओ मारो वरदान है। अम हमारा जो ही मो पंचों को ढकन हटायो हटायो रगा भी भगवान ने निकलन लाग यार कभी कलश है जो महाराज ने काठा जकड़ लिया मां बोले महाराज कड़ जाओ बोले भाई तू बड़ कोई है थालो बड़ रगड़ो कोई है बोले थे जाट रे घर चूर मु जीमिया और जाट ने सारी बातों रो ठाट दियो और गांव वालों ने दे दी मोक्ष मारी तो रगड़ रगड़ हान छाती छोल दी गई कहीं तुम्हारो ही होना चाहिए। भगवान शंकर कहे बोले भाई आई बात ठीक है जटे भी धार्मिक कोई भी कथा है जागरण है सत्संग है व्याम है सगाई है जकेर मा प्रथम पूजा है जगी जा थारी कलश भी हो यो मारो तन वरदान है एक और है दूसरो वरदान तन दो देऊं महाराज वरदान बोले कोई कह हमेशा तू मारे शिव दिवाले रे मां जट मारी शिवलिंग है बीर ऊपर है जो तू हमेशा रली है जो को लियो रहे यार थार मां मारो है जो को निवास होए हमें पार्वती जी ने देख रही हो हमें क्यों केला सालों का बड़ी ते हूं गणी है पार्वती जी देख रही हो महाराज हमें केला सो कोई हमें हूं बोलूं कौन थयो करो आगे कोई जे थोड़ो गांव तरह तो बड़ कर लो। तो भगवान शंकर और पार्वती रवाना होया और चलते चलते और बेड़ो और बेड़ो ही कोई नगर आयो और भी नगर में भगवान शंकर है जो गुरु के और पार्वती जी तो बड़ बोल गया महाराज क्यों कह रही जे कौन महाराज के बोले भाई तने एक बात तुम आगे नहीं कह दो तो खटे तारी कौन ईर कद खटी पण महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी कहीं कह देखो अरे एक समय एक एक ही नगरी में एक ही समय ओ एक ही नगरी में ओ शिव पार्वती आए थे। अरे शिव पार्वती आए थे अरे ठेरे थे एक ही ब्राह्मण के घरी तीन सख पाए थे। Ah
नर जो पाते हैं भाई, उत्तम नर जो पाते हैं, कर में हीन कंगाली जाते दे बोले ही दे, कर में हीन कंगाली जाते दे बोले ही दे जाते भगवान शंकर और पार्वती जी उठा रवाना होया और एक नगर में आया तो के एक समय एक एक नगर में शिव और पार्वती आए थे और ठहरे थे एक ब्राह्मण के घर के तीन शख्स वहां आए थे। भगवान शंकर जो इन दिन बलियो और महाराज पार्वती दोनों एक ब्राह्मण के घर में रुकिया और भी ब्राह्मण के घर में तीन सदस्य कौन के दो माँ बेटे और एक ब्राह्मण था, एक तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और एक मारो छोटो है जो को लड़को। अरे और बड़ी बारी है जो घर में नादार की। अरे वो घाटे में घबराए थे, आते देख करके शिव शंकर को चरणों में शीश नवाए थे। भगवान शंकर ने आवता देखा, अरबा विचार करे कोई संत है और क्योंकि मन हो तो मारा धन हो तो कौन कने। गणवारो आदमी है जो दे दातार वेर खने जे प्रेमों की नहीं हुए तो मैं दातारी कौन ही करे, तो मेरे वास्ते बड़ा धन भी जरूरी है। आते देख कर शिव शंकर को के चरणों में शीश नवाए थे, भाग दौड़ वो लगे सेवा में। भगवान शंकर ये जो जड़ी तड़ी आपने घर में होती जड़ी जो सेवा करने लग गया और सेवा सिर ढाते हैं। अरे कर्महीन कंगाल चांदड़ी कवि के वो कोरे ही रह जाते हैं। अब जो ही वे सेवा में लग गया और पार्वती जी में दया ज्यादा आई क्योंकि लुगाई री जात ने दया घनी आवे और दया जीती करनी चाहिए, जीती है जो आदमी री पौसर तो इती दया करनी चाहिए, नहीं जन महाराज दया भी कटी कटी गड़बड़ कर दिया करे। कोई हंस और हंसणी है जो मान सरोवर माथे बैठा टेचरी रे माथे और बिरखा आई और जचार कोई है कि मैं पड़ियो जो को पानी है जो बराबर कर दियो, हम ऊंदर रा दिल होता जो ऊंदर दी कणी तो कोई है कि डुबकी खा जावे कणी मुछो बीजुड़ा रूंसा आवे। जन हंसणी ने दया आई, हंसणी देख कर कियो बोले पति देव ओ बिचारो जीव है अरे पानी रे मो डुबकी खावे है अरे मरी जो आप यूं करो इन्हें जो बारे निकालो। अंश देख कर कियो बोले ज्यादा दया मत कर, बोल नहीं आत हम करनी पड़ी, हम मारा अंश पड़ी हो जो पकड़ चौंस में बार लार नोकियो पानी हो टेसरी माथे का दुदन लागियो पानी में बीजड़ो दुदन लागियो। हंसणी देख रही है बोले पति इतार मर तो कोनी पानी गर्म हो बाकी हमें वो मरी इन थैयो को डग में देर की गर्म करो। अरे अंश देख कर कियो हम के काल देन हाथ गाले अबार तई कहीं कोनी हो, बोल नहीं महाराज अंस भी डग में दियो और वो जो ही गर्म हो भी आप पड़ो है जो काम चालू करियो। हम बे माऊ कहे के पोंख्यो करड़ करड़ियो बाजन लागी अंस हां अंस भी जार करियो बोलो भी देखो कारखाना चालू कर दियो मशीनो और जो ही है जो यो फर ऊंची करी और पोंख्यो रो नीचे खर देन डिगलो हो गयो। अंस देख रियो ले बड़ कर दे तो अंस कहे है दया करी चल बीच नीच एक तीरता आया और हंसने दया विचार नीच पर करी सहाया। पंख कतर लिए नीच ने पंख कतर लिए नीच ने और ओड़ो किणने दीजिए। अरे ऐसी दया से दुख उपजे तो ऐसी दया नहीं कीजिए। दया करी के जल बीच नीच एक तीरता आया और हंसने दया विचार और के नीच पर करी सहाया। हमारा सहायता करी दिन के पंख कतर लिए नीच ने रोड़ो किणने दीजिए। ऐसी दया से दुख उपजे तो ऐसी दया नहीं कीजिए। ज्यादा दया ही कौमरी कौन मारा दया जट जट ही कौम करे जरूरत है भी जगह
तो पार्वती भगवान शंकर के दया न मत कर, लारे ते दया बिचारी जन मेहरमोज मुंडी हुई, अब की बाप नो मन तो यूं मौती लागे। तो भगवान शंकर पार्वती भगवान शंकर ने और कह देखो, अरे इन तीनों को दुखी रे देख कर ओ मन वचन उचारे, भाई ओ मन वचन उचारे, अरे अन्य धन से भंडारी भरो शिवी शंकर ने पार्वती जी कहे, अन धन से भंडार भरो शिव ये भूखा मरे बिचारे महाराज, और अन धन भंडार भरो थे भगवान देवादी महादेव आयड़ा हो, अरे बड़ी ये बिचारा घर में जो गरीबी है। भगवान शंकर कह रहे बोले हे उमा, शिव शंकर तब के कहने लगे क्यों पीछे पड़ी है हमारे, अरे नहीं लिखा है भाग में इनके के हम कौन देवणा रे, और भाग में लिखड़ी कौन तो हम कोई देवण, क्योंकि बिना भाग बिना भीख मिले ना, बिने बाग आदमी ने भीख मांगा नहीं जो निकल जाऊं दबाई को मिले नहीं महाराज। अरे सर यूं के वेद शास्त्र जाते हैं जो होते के निर्भाग चांदरे कभी के वो कोरी रह जाते हैं, क्योंकि बाग में लिखो लिखो ही मिले कोई महाराज है जो कथा रमा कहो कोई लिखो लिखो मिले, और सभा रमा कोई बैठो अपन दे भी ले करके बोले महाराज लिखो लिखो मिले, जन हूं आज घर रोटी नहीं जी मन को जिमा दे कोई बोले अगर जे लिखुड़ी है महाराज देख करके जरूर मिले, घर गियो घर जार गावन देख रही आज महाराज रे महाराज शर्त होगी जिद होगी जो आज हम घर जो रोटी को दीमो बा देखियो विचार के ना लोया बाद रे हो करे सब हाथ खावे जो कहीं डेढ़ किलो आटो कम पावणो पड़ी महाराज आज आज रो तो नेतो होयो विचार करियो
के कोनी घर कोई मेहमान नहीं आ जावे अरे महाराज बिने जो अपन हागी बैठनो पड़े आप यो करो गांव बारे ही जालो गांव बारे कोई भेरूंदी री खेजड़ी होती जार भी भेरूंदी री खेजड़ी में बैठ के भी अट कोई को आवे हम कई देर हुई और वड जात्री आया बाणिया जो को 5 किला लाडू री छाप लाया बेरू बाबे रे 5 लाडू साड बाणिया कितो प्रसाद लियो एक लाडू रो मुख चिपटी चिपटी ले बाबे रो प्रसाद ले लियो क्यों भाई बेरू जी प्रसाद आगे को आले बाणिया तो बड़ो निकल गया अभी विचार करे बड़ो लाडू आ गया अरे महाराज अली बात दी कदा साथी नहीं हो जावे अरे मोती चूर रा महाराज जितिर बड़ गई दिन बदी रो टेम और हम पर देख दिन बदन लाग गयो का 400 आया सोरो विचार जो लाडू सुकुन कटू आवे आगे देखियो भी छाप रे मो लाडू है किला पहुंच पड़या और लाडू पड़िया आदमी दी से कौन कोई बात है हां ऊपर देखियो और कबो भाई बैठो बोल तू बोलो नीचे उतरू कौन बोले उतार तो नहीं जानो अच्छा भाई जेर गात लाडू मेल लिया भी तोर मर जाओ धना पोरो नीचे उतर के उतरू कौन उतार तो नहीं जानो दो जना ऊपर चढ़िया जो टेकियो नीचे और लाडू का बोले गाऊ कौन महाराज रे महाराज जी दौड़ बोल थारे महाराज जी दौड़ अपन जी दौड़ कौन तो हम एक थापरी रे एक लाडू रे एक मुखी री रे एक लाडू 5 किला गिटा दिया हम दिनों के महाराज बात बस हिंजा तो घर तावी करे कोई दिनों के नावा दवा कर महाराज रे कन थकदार बैठो महाराज कड़ी आई क्यों भी लिखियो लिखियो मिले वो आ जो डूब हो गयो क्यों महाराज लिखियो लिखियो तो मिले पण सीना जोरी कर हागे थापा मुखी बड़ो है बात हां कई कौन है तो बिना भाग कुछ नहीं मिलता है सुनो भगवान शंकर पार्वती ने कहे बोले सुन मारी बात तो पार्वती कहे नहीं प्रभु इयो ने कुछ नहीं कुछ देनो पड़ी तो पार्वती ने जिद कर ली है और भगवान शंकर ने कह रही है आवार क्यों कौन जी सर अरे पार्वती कभी कहने लगी भाई ओ शिव शंकरी हो घर जाके भाई शिव शंकरी हो घर जाके क्या करता है कर में चोर हमें देखेंगे अधर्मा के क्या करता है कर में चोर हमें देखेंगे अधर्मा करके इन तीनों को मैं वर देता मन इच्छा पद जा करके भाई इन तीनों को एक को शिव शंकरी अब वर तो देना चाहते हैं भाई वर तो देना चाहते हैं कर में हीन भगवान शंकर ने पार्वती जी के बोले महाराज पार्वती जब कहने लगी शिव शंकर हो घर जाके अरे क्या करता है कर्म जोर हम देखेंगे अजमा करके कि अजमा था तो करो भाई और भाग्य की तो काम करे जन भगवान शंकर देख रही क्यों के एवं यस्तु के शिव शंकर बैठे आसन लगा करके
भगवान शंकर पर आसन लगायो और पार्वती के जाओ यो किनो ने कह दे के तीनों घरे मो तीन सदस्य हो और एक को वरदान मांग लो बाकी रूम देवाल को। पार्वती जान देखने के बोले भाई थोने घर भगवान शंकर आया है और थोने जो तीनों ने एक को वरदान देनो चाहे और आप जो धन माल जो कुछ मांगना है जो मांग लो। एवं यस्तु के शिव शंकर के बेटे आसन लगा करके और इन तीनों को मैं वर देता मन इच्छा फल ला करके एक एक को शिव शंकर अब वर तो देना चाहते हैं। अरे कर्महीन कंगाल चांदड़ी कवि के वो कोरे ही रह जाते हैं। हम पहली बार है जब वो ब्राह्मण हम यो भाई घरों मेन वडेरो तो जीते वा महाराज वा ब्राह्मण देख कर बोली अगर हो कहीं गए आजकल राज लुगाएं रो साले पहली थे मने मांगन दो भगवान शंकर आएड़ा दिन बजे हूं कि घर में रसोड़े में मने काम करना पड़े। ब्राह्मण देख रही भाई तू मांग ले पहला हम की खतावड़ करी खतावड़ में नाम गड़बड़ हो गयो क्योंकि महाराज सौदरी रे और कोई नी जी रे जगो बड़ी बारी है दोस्ती है जन एक दिन कोई को जो क्यों का री इच्छा प्रबल है मेरी इच्छा ने कोई है जो आदमी आप से कुछ भी करो हरी छन कोई आदमी है जो नावड़ कौन सके महाराज जन एक दिन भी मीन जी कोई है कि कोई बेटो जो खत्म हो गयो जन सौ दिन देख रही क्यों पहले साधन होता कटा महाराज कोई फोन रहा साधन होता कोई गाड़ी मोटर साधन होता कोई आदमी री द्वारा समाचार करना पड़ता जन भी मीन जी देख रखिये बोले यो कर भाई चौधरी जगी ऑन आर में तो नमस्कार है पर तू यो कर कई हार है जा जुगड़ समाचार तो दे रहा वो ठा पड़े भी थोड़े पौन आए जगह वफात आ गया। जन वो चौधरी पांच सात दिन उमड़ गियो क्योंकि पैदल बेव तो जन मार अगलो को मियो जो तू भी ने ओड़क तो भाई उमर हगेर हगेर उन्होंने आदमी है हर सौ दिन देखियो आओ तो बोला आओ 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 चौधरी जी आज कोई मेले मगरी जाओ का कोई आज तो बड़ा भला दर्शन दिया महाराज कहिया कोई अठी आया बोले नहीं थोड़ा हगे भेजो है अठी आयो बोले की कर जन चौधरी बेव तो वो वफा तो नाम भूल गयो कर क्यों थोड़ा पावण आया जगह बिलात पा गया। जन मीन जी की जान करियो भी बिलाई तो कह जर छोरो कोई नौकरी लागी हुई बिलाई तो फॉरेन में आमने बाई ने जो सुख होई क्योंकि पावण महाराज कोई बढ़िया नौकरी में जन छोरी धोखो हुई है सीधी सी बात है यार माई तो जदी जी छोरो मां मियाणी ने ऑर्डर दियो कि बढ़िया दो चार तरी तो सब्जियां बना ले एक तो मटर पनीर ही बना ले देखी जाए जो जो का आदर दाई हां मौसम ठीक है हर की गूंद बाग भी जोर की और बढ़िया बढ़िया कोई व्यंजन बना ले अंबे बारे जो महाराज तई करे दोनों हर जो भी मियोनी मां छोंका देना हरू करिया हर बा हिंगरी खुशबू आई हर चौधरी भी चांद ऊपर तो रोला कुकू हुए हो यार आठ जो कोई बढ़िया बढ़िया रसोई बनावे कोई बात है का तो अपन फर्क है का यो फर्क है पण पहले जीम तो लो दसार बस बात करो चौकी तेरे ठूस ठूस तर जीम हगीड़ो यार जो ही दोनों मानसा डाल बैठा यार पूछियो बट चौधरी जी बोले मियां जी यूं बताओ थे थोरे उर्दू भाषा रे मो जन्मने ने परने ने मरने ने थे लो कोई क्यों बोले भी बात एक ही है थे जगह हिंदू वो जगह थे यूं क्यों भी बच्चो जन्मियो में एक हूं राज पायो है यार थे को ब्याह यार मे को निका यार कोई बूढ़ो बड़ो सौ वर्ष कर जा बिन थे यूं लोग कहो के भाई सौ वर्ष कर गयो या स्वर्गवास हो गयो धाम प्राप्त हो गयो यार मे क्यों वफात पा गयो क्यों भूलियो थोड़ो पौणो वाइस पाउडो है गड़बड़ मारे हो रही महाराज तो अब हां कि थोड़ो थोड़ो ऑन इन लिस्ट आप ने राजी करनो जरूरी है महाराज बाबू जी इर वास्ते थोड़ो को कहनो पड़े हो तो इन्हें भगवान शंकर वरदान देनो चालू करियो तो पहली बार वो ब्राह्मण है जो वरदान मांगनो शुरू करे तो भी तेमरा ब्राह्मणी ब्राह्मण ने कहनी पहली माने मांगनो तो बा कोई वरदान मांगे कई बातें बने देखो की थोड़ी सभा मंडल में है जो उत्साहदार की अमल भी जोर दे यो की कणके करो साहब अरे पहली रे बार जबी बोली रे ब्राह्मणी ए सारे भर में चांद रे प्रभु ए सावन
जिक्र सुना भाई, आगे का जिक्र सुना। एक राजा गिरे आई सवारी, इनको मैं ले जा। एक राजा गिरे आई सवारी, इनको मैं ले जा। और भगवान शंकर के मांगो जिनके पहली बार जब बोली ब्राह्मणी और ऐसा वर में चाहूं, अरे हे प्रभु सुंदर शान और नौजवान, अरे मैं एक इंद्र की परी बन जाऊं, हे प्रभु मन वरदान देवनो चाहो। तुम्हारी जगह 80 साल री उम्र है जगी ने पलट करके, और 16 साल री एक इंद्र दी है जगी अप्सरा रूप दे दो। बताओ कि तो फूट रो मांगियो कोई करी पण महाराज हम के जैसा मांगा वैसा हो गया। क्यों के बोल भगवान शंकर वरदान देवा, जैसा मांगा वैसा हो गया। आगे का जिक्र सुनाऊं, एक राजा की आई सवारी के इनको मैं ले जाऊं। बढ़कर राजा री सवारी बे होती और राजा देख मन में विचार कर इंद्र री अप्सरा अट ई गरीब घर रे मा कोई ले महाराज। राजा पकड़ भूखियो और ए जगह आती रे ओदे बैठा री आती पे चढ़ वाली परी ने, और राजा लेकर जाते हैं। अरे कर्महीन कंगाल चांदरी कभी कभी के वो कोरी रह जाते हैं। अरे जो ही है जो तुम्हारा वो हाथी मर चढ़ा करके राजा रवाना होया, और भी छोरे देख करके बोले बाबा आ माँ जावे नहीं हो, ओदा ठहर जावे कटी कौन है, माड़ो वरदान बाकी पड़ी हो नहीं। तो ब्राह्मण भगवान शंकर ने केवल डोगरा फूर्ती करो, भगवान शंकर के मांगो कनी। ब्राह्मण कोई वरदान मांगे है अरे दूजी रे बार जबी, ओ ब्राह्मण बोला अरे दो वरदान जरूरी रे प्रभु, दो वरदान जरूरी अरे जागरी है नारे हमारी प्रभु होनी चाहिए।
ए हुड़ हुड़ करती घर में डोले, हुड़ हुड़ करती घर में डोले, मानुस लटटाते हरे भाई मानुस लटटाते जो होते फिर भाभी तेड़े वो कोरे ही ले जाते बोले भोनिया जी महाराज की। दूजी बार भगवान शंकर सुम ब्राह्मण वरदान मांगे। बोले प्रभु दूजी बार जब के ब्राह्मण बोला दो वरदान जरूरी, अरे जा गई है नार हमारी प्रभु बा होनी चाहिए गिलसूरी है प्रभु बा जगी इंद्रिय अप्सरा बनी है बिन थे जग गिलसूरी बनाई दो। अम महाराज भगवान शंकर रो बड़ वरदान चाले हो एवं यस्तु के श्री शंकर कर दी मंजा पूरी। अरे हाथी से गिरवादी राजा ने और वो पहुंचे मंदिर अधूरी। राजा लार ने देखियो है तो बागिन सूरी बनोड़ी दंड का करे और राजा मन में विचार का तो गिन सूरी बनी अरे महाराज अगर जी सिंगनी बन जाती तो एक बच को उपरा तो कोई एज को दे बंजन है जादूगारी है कोई राजा है जो ठोगी कोनी रो बसियो नीचे नोखी। अम महाराज बा उड़ उड़ करती घर में डोले मानुस लठ डाते हैं टिंगर है जगो लारे बाटा फेंके कई सुंदर दोई है जगो महाराज जी डंड क्यों इज फेंके और फिर फिरा और बड़े बड़े डोकरो एर बा सोरो उता बटी यार पाथी बैठी देन सोरे देख के बोले बाबा मां इया किया होई हो। बोले मन ठीक है मियां ई रम दो महाराज भगवान शंकर देख कर इशारो करियो पार्वती दिन बोले कियो लियो कोई हम वरदान एक ही बाकी है हमें ओ थोरो कोई ता कोई कई। हां तो भगवान शंकर किन के बेटा तू ही मांग ले मैं तू लारे क्यों रे एड़ो तू मांगी बस क्यों के महाराज वो एक तरीको है मांगने रो सेठ जी यार कोई सूरदास हो गया जन क्यों किसे भगवान ने याद करूं जो बेगो प्रश्न होवे क्यों महाराज ओ ये देवादी देव भोलोनाथ शंकर सेठ जी पड़या जो मैंने एक ने ओकरा लिया एर भगवान शंकर है जो मांग मांग एर लार ने देखे और चेट हो महाराज वचन दो का भगवान शंकर पाचल भोली बोले पौनी है कोई ना कोई कोई मांगी। भगवान शंकर देख रही एक वचन मांग ले बाकी रूम दीवार को हम सेठों ने बातों हगली होतनी जन सेठों हो क्यों अगम बुद्धि वे तो क्यों महाराज सोनेरी थाली में जीम लूं एर पोतेरी बहू ने आंखों देख लूं इतो दे दो हम कितो बढ़िया मांगियो भी सोनेरी थाली धन भी ना होवे कोनी एर पोतेरी बहू है जो आंखों नहीं है देखी जे कोनी। भगवान शंकर देख रही बोले बड़ो ही जादूगर है तू तो भाई एर बठी कोई एक भाई तो जो घराणो कोई एक रिसाणो निकल गयो निकल तो निकल गयो महाराज पण हम विचार करे बट पाछो घरे जाओ जन लोगियो कोई ई मुंडो धणी तू आयो तो ठी नहीं तो ही मरिया हम करो कोई तीसो मरो एर का जोग कोई कल्पक्षर नीचे बैठो एर कल्पक्षर नीचे बैठ करके जगी चीज की कल्पना करे भाई चीज हाजिर होवे एर का विचार करे हे प्रभु पानी में तो प्राण बचाओ एर का महाराज एक जारी आ गया ऑटोमेटिक मिले बैठो पानी पियो और का विचार करे कि जी मन वाला प्रबंध होवे तो एर का थाल सदर आ गया जी मर विचार करे भाई की आलस हो कि हमें की सोन वाला प्रबंध हो जावे तो एर का महाराज सो कोई खिली ना खेलो तो मानसो आ गया तकिए हमें तुम्हारा अगर दी जगह वो सुतो सुतो मन में विचार कर लियो तो मन भगवान दर्शन दे तो कितो बढ़िया रहे तो बिल जरूर भी कल्प पक्षरी आक्रामाते भगवान दर्शन दे तो पण विचार करियो निंद्रो में हूं एकला अरे हर हर कोई आदमी कोनी अरे जे सिंगार खा गयो तो तुरंत सिंगार खा गयो बताओ देव नाले री कमी कोनी तो मांगने रो भी तरीको है। हम तीसरी बार एक ही वरदान बाकी है अरे वो लड़को मांगे भगवान शंकर हूं और पार्वती दिन भगवान शंकर देख करके हमें देख लीजिए कोई मांगे हो तो भगवान शंकर ने वो कहीं कह कहीं बात बने था कहानी अरे तीजी रे वार जबी लड़का बोला ओ देखी मां का आने प्रभु देखी मां का
अनेस अरे प्रभु मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले दे और वो क्योंकि मारी ममता वे महाराज और वो लड़कों के ही प्रभु मैं दया था न वरदाना हूं प्रभु मेरी माँ का के रूप बना दो बिल्कुल पहले ए महाराज मारी माँ पहली होती मैं घर में होता जड़ा ही कर दो महाराज। अब तीनों वर पूरा हुआ अरे के पले पड़ाना एक पैसा अरे के कालू राम के बिना भाग बिना वो रह गया पहले जी सर। अरे नई रंगत का नया भजन हम सभा बीच में गाते हैं जो होती निर्भाग चांदड़ी कवि के वो कोरे ही रह जाते हैं पार्वती ने भगवान शंकर देखने बोले क्यों पार्वती मैं तन कहो नहीं पहली बोले महाराज आपकी कृपा बिना और कुछ आदमी हासिल नहीं कर सके भी परमात्मा की कृपा है यदि आप लोगों ने पद प्रतिष्ठा मिले और परमात्मा की कृपा है जब भी कुछ आप ने जुगो भजन में मन लागे और रामगिरी जगी महाराज नाम रे मैं जगह पारो मन लागिया करे नहीं तो महाराज नहीं लागे ऐसी जगी भगवान की कृपा है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की भूमिया जी महाराज की कर्णल देवात की जय हो। अरे हम चाहे